पुराने शहर में तरक्की होना बोलो तो मेट्रो लाइन आना बोल के ओल्ड सिटी में जो लाइक माइंडेड लोग हैं पूरे पार्टियां मिलके ओल्ड सिटी मेट्रो लाइन जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। हम ऐसा तीन बार एजिटेशंस करने के बाद में यहाँ की एमएलए हो या एमपी हो या टीआरएस की हुकूमत चार महीने पहले हम पुराने शहर में भी मेट्रो लाइन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे बोल के फिर असेंबली में खुद अनाउंसमेंट करेंगे। वो अनाउंसमेंट करके चार महीने होने के बाद में भी आज तक पुराने शहर में कोई फिजिकल सर्वे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जानिब से कुछ फंड रिलीज नहीं हुआ। वही अगर दूसरा एरिया में अगर देखें तो रेती बोली से अगर शमशाबाद एयरपोर्ट तक अगर देगा तो 1600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट वहाँ ऑलरेडी फंड दिए सो है। हम चार महीने इसीलिए रुके भाई आज नहीं तो कल गवर्नमेंट की काम है स्टार्ट होएगा बोल के सोचे, मगर ये पुराने शेयर लोगों को और एक बार ये टीआरएस या जो कि एमएम पार्टी उन लोगों का और एक बार इलेक्शन से पहले हम ओल्ड सिटी में मेट्रो ला रहे बोल के और एक बार धोखा करके वोटा लेने के चक्कर में है। इसीलिए हम लोग फिर और एक बार पूरा इकट्ठा होके एक चार दिन पहले मेट्रो एमडी से मिले, उन्हें हुकूमत तो ताइद में है मगर कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ कहीं को नहीं हुआ बोल के हम पूछने के लिए गए थे। इसीलिए इसी बारे में अभी हमारे कांग्रेस सीनियर लीडर गौ साहब है और रूपराज बीजेपी का लीडर है और एक कांग्रेस का वेंकटेश है, सोशल वर्कर उस्माना लाजरी साहब है, सीपीआई से अश्मत साहब परनाथ गौड़े, मैं सत्तार साहब कांग्रेस से कई लोग हैं। अब इसके बारे में कल ने परसों हम एक प्रोटेस्ट रैली चामनार से लेकर फलकनामा तक निकालने वाला है, इसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे। मैं पहले गौ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कायल आल। गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स, एक साल से जेएसी मेट्रो ट्रेन के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन एक जेएसी फॉर्म करे थे, उसके बाद मुख्तलिफ तरीके के बयान के शहर की तरक्की को रोकना नहीं चाह रहे हैदराबाद के एम पी और मुख्तलिफ एम एल ए वगैरह और टी आर एस की तरफ से भी बयान आया कि हम मेट्रो का काम तो मुसलसिल हम लोग आपके आपस में हमारी उस्मान भाई से सारे पुराने शहर के कायदीन बीजेपी के हो टी आर एस के हो और कांग्रेस के हो सब लोग मिलकर चार महीने तक इंतज़ार करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, मेट्रो का अलाइनमेंट होना चाहिए, सॉल टेस्टिंग होना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। चार महीने के बाद अगर नहीं हो सकता है कोई चीज़ नहीं हो सकती है तो दोबारा इंशाल्लाह हम लोग आपस में बैठ कर ये डिसाइड करें हैं कि मंडे के दिन दो ढाई बजे सैटरडे सॉरी 18th के दिन
सॉरी 18 के दिन 2 बजे 4 मीनार 1 बजे 3 बजे तक 1 बजे 1 बजे 1 बजे हम मंडे के दिन हुकूमत को एक बार जगाने के लिए खाली इलेक्शन में झूठे वादे नहीं चाहिए, इमीडिएटली मेट्रो ट्रेन का काम चालू होना चाहिए। इसलिए प्रोटेस्ट रैली जो पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, ये जो हमारा जमहूरी हक है। बात ये बोलने की है कि आप देखिए नए शहर और पुराने शहर कि दोनों को अगर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेवरेज होंगी कि रोड होंगी कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन होंगी कि पानी होंगी कि मस्जिदों का रख रखाव तमाम चीज़ के अंदर झूठे वादे हुए हैं, एक पैसे का काम नहीं हुआ है। मक्का मस्जिद के डैम के ऊपर भी हम उस्मान भाई सारे लोग मिलकर एहतजाज करें, काम अल्हम्दुलिल्लाह खाना भाई मुसलसिल 2 बार एहतजाज करने के बाद मकामी का काम हुआ, मगर ये बार हम घर घर हर किसी के घर घर जाकर इस बात को बताएंगे, बैठेंगे नहीं खामोश। आइंदा इलेक्शन तक हम आल पार्टी के लोग ये हम डेवलपमेंट में बराबर का हिस्सा रखते हैं। अगर सिटी में हैदराबाद के अंदर अगर 2000 करोड़ का डेवलपमेंट अगर ग्रेटर हैदराबाद को मिलता है तो उसका 30% हमको देना चाहिए, हर चीज़ के अंदर शेयर होना चाहिए। इसलिए कि पुराने शहर के अंदर डेवलपमेंट आना चाहिए, मेट्रो से डेवलपमेंट स्पीड मतलब बस की ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होने दीजिए, टूरिस्ट आता है यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। लास्ट टाइम के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से हमारे रेडी साहब ने समझाया था कि किस तरीके से बच्चे जॉब को जाते हैं, तमाम चीज़ जाते हैं, ये तमाम चीज़ बातें हम पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। और इंशाल्लाह जब तक इसका काम नहीं होगा चैन से बैठेंगे नहीं, खामोशी से 1 साल गुजारे हैं, अब हम हर चीज़ के लिए रोड की के लिए हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हैं, हर बात हर जगह जाकर इसके लिए एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह आगे की बात आपको बताई जाएगी। कल मैं ज़्यादा अपील कर रहा हूँ कि जो मेट्रो ट्रेन के स्टूडेंट्स हैं, जो व्यापारी है, वो हर कोई लोग है, इस पर ज़्यादा सपोर्ट करें कि हम 4 मीनार से हम प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हैं। एक बार इंशाल्लाह हम इसको कल हैदराबाद की के आवाम से होल सिटी के आवाम से मेरे को उम्मीद है कि हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इसके अंदर एक अच्छा काम है। हम कोशिश करेंगे कि कल 18 तारीख के दिन 2 बजे 1 बजे के टाइम के ऊपर बेहतरीन तरीके से हम अपनी मांग के लिए एहतजाज करेंगे। आगे की बात ओल्ड सिटी जेएससी आध्र्यनों ईरोजु एर्पट प्रेस काफरे फस्ट मोदी मे निर्णय चाहिए विषय ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोटेस्ट ओल्ड सिटी मेट्रो कावाली ओल्ड सिटी मेट्रो का प्रयत्न गत संवर मुंबई अनेक रकल धर्ना र्यी अरेस्ट जेएससी द्वारा अन्नी पार्टी कल मेम कार्यक्रम चपट्टी प्रभुत्म दिग्वि असैम्ली प्रकटन चय जी ओल सीट को मे मेट्रो इतना मेट्रो प्रारंभिस्टा ची गत 4 ने गड़ीपोना इप्ड वरकू इट पनी मदल कल मु हामील प्रजुन मोसगीस्तूरु टीआरएस प्रभुत्म इमएम प्रभुत् पब्ब गड़पत यह ओल सीट प्रजुन मायमाटल तो मब्यपेड़ ఈ రోజు ఓల్ సిటీ వాళ్ళను ఈ రోజు ఏ రకంగా దారికి తీసుకెళ్తుందో మనకందరికీ తెలిసిన విషయం, ఈ ఒకటే విషయం కాదు అనేక విషయాల్లో ఓల్ సిటీ కుంటుపడింది. ఈ రోజు మనం మెట్రో వచ్చినట్టయితే పాత పట్టణం ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తుందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఓల్ సిటీలో ఒకవేళ మెట్రో వచ్చినట్టయితే పాత పట్టణము డెవలప్మెంట్ అవుతుందనే ఆలోచనతో ఈ యొక్క ఎంఐఎం పార్టీ టిఆర్ఎస్ తో కుమ్ముకై ఈ యొక్క ఓల్డ్ సిటీలో మెట్రో రాకుండా ఉండడానికి అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. కావున మేము ప్రతిసారి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నాం, మీరు ఒకవేళ ఎంబడే ముందుకు వచ్చి మెట్రో కనుక మీరు ప్రారంభం చేయకుంటే
మేము ఇదే రకంగా అందరం కలిసి అన్ని పార్టీల ద్వారా మేము సమ్మెలో అన్ని రకాలుగా దీని నిరాహార దీక్షలు చేపడతాం. మీరు ఏ రకంగానైతే మాకు హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీ మేరకు మీరు పని చేపట్టాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని, కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. హామీల వరకు ఆగకుండా పనులు ప్రారంభించమంటున్నాం. ఓల్డ్ సిటీలో ఈరోజు చూడండి, ఈరోజు ఉప్పూడ ఫ్లైఓవర్ గత 5 సంవత్సరాల నుండి కుంటుపడింది. ఈరోజు నిన్న ఉన్న తలపకట్లో ఒక డ్రైనేజీ లైన్ ప్రారంభమై 2 నెలల నుండి ప్రజలు పోకుండా ఇబ్బంది పాలవుతున్నారు. ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కానీ ప్రజలు పాత పట్టణానికి రావాలంటే కష్టపడుతున్నారు. పాత పట్టణం నుండి ఓల్చిటి నుండి బయటికి పోయే వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. చాలామంది ఈ రకమైన అవస్థలు పడి ఓల్చిటిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కావున దయచేసి ఓల్డ్ సిటీ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి మనమందరము కలిసిమెలిసిగా ముందుకు సాగాలని, మీరందరూ మాతో కలిసి వస్తే ఓల్డ్ సిటీ జేఏసీ ద్వారా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తామని మేము యొక్క ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న మైనార్టీ ప్రజలకు కానీ అందరికీ మేము విన్నపిస్తున్నాం. అందరు కలిసిమెలిసిగా ఈ యొక్క మెట్రో జేఏసీ మెట్రో కొరకు మనం పోరాడుదాం. మనం మెట్రోను సాధించి తీసుకొని వస్తామని మీకు సవినయంగా తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. एक साल पहले पुराने शहर में जब हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन आना का वाइस राज शेखर रेड्डी ने वादा किया था तो ओल्ड सिटी में उतनी बड़ी से दारू शफा होते हुए फलक नुमा तक के लिए और फलक नुमा से शेंजन एयरपोर्ट तक के लिए का ऐलान हुआ था. मगर कुछ जो पुराने शहर के जो हालात हैं कि यहाँ की कम्युनिटी को बैकवर्डनेस रखने के लिए तमाम चीज़ों के यहाँ के लोग को पीछे रखने के लिए एक बयान आया था कि मस्जिद मंदिर बहुत है मतलब रास्ते में, इसके लिए इसको ये प्रोजेक्ट नहीं ले रहे पुराने शहर में. तो उसके बाद एक साल के पहले जान एक्शन कमेटी बनी मेट्रो के इंतजार करने के लिए, तो उसके अंदर जब आवाज़ उठाई गई तो पहला हमारा बात ये थी कि सुल्तान बाजार का गौर करने की है कि आप दारू शफा से लेके फलकनुमा तक 70 फीट रोड है और इसके बीच में दो या चार जगह कुछ दरगाह मंदिर या मस्जिद है, तो इन 2-4 जगह के लिए ये बात भरम डाल दिया गया कि मज़हब का इन्वॉल्वमेंट, मस्जिद का इन्वॉल्वमेंट, कहीं मंदिर का इन्वॉल्वमेंट, मंदिर चले जा रही, इसलिए कि ये असल वो बात नहीं है. असल ये है कि बंडी वाले को बंडी वाले की जगह रखो 50 साल में, ऋषि वाले को ऋषि वाला रखो, हिंदू मुसलमान मम्मी जमी चलने दो, इसलिए कि डेवलपमेंट नहीं आना, पढ़ाई लिखाई नहीं आना, नौकरियां नहीं आना, तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया था कि यहां पर पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन नहीं आना. मैं हैदराबाद की बाशहूर आवाम है कि ये पाता नगर हम बोलते पुरानी है, पुराना शहर बोलते हैं, इसके हिस्टोरिकल है. ये 1800-1893 के अंदर यहाँ पर सीसी रोड्स, अंडरग्राउंड केबल, वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर, ड्रेन, इन तमाम चीज़ थी. ऐसा कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ 50 साल के अंदर, सिवाय मैं एक कारपोरेटर था, मैं लूना के ऊपर चलता था, मेरे पास फॉर्च्यूनर आ गई, उन्होंने डेवलप हो गए. किसी का मकान था, उन्हें महल में आ गया. मगर हमारी लोग जहाँ के वहाँ रहना चाहिए कि ये एक पॉलिसी है कि यहाँ के लोगों को मुर्गी का काम करने वाला मुर्गी का काम ही करना. 50 साल होगा महब चौक, 20 साल से टाइम आप देखिए, 20 साल से डिलैबरेटेड है. 4 साल पहले KTR साहब, बड़े MP, बड़े शेरवानी साहब, सब जने आके चौमल्ला के पास है ना भाई, 4 साल हो गया. 4 साल के बाद क्या था, क्या नारा था कि पटेशन जून को तरक्की देंगे. 20 साल के अंदर है ना भाई, सिवाय गनेटों की
रोड डालने के सिवाय पेडेस्ट्रियन जून का कोई प्लान नहीं है। उसके बाद क्या है, पार्किंग लॉट, कौन ऐसा आदमी है हैदराबाद में जो डेवलपमेंट का काम रोक दे रहे? उस्मान आज दीदी साहब लाके कोई वर्कबोर्ड की लाइन है बोल के उस पर लगा दे रहे क्या? फ्री है, करने की ज़रूरत है, नीयत साफ होना चाहिए। कम्युनिटी को मम्मी यमी में फिराने का नहीं है। बच्चे एजुकेशन मांग रहे तो इसके लिए हम हैदराबाद की आवाम से दोनों कम्युनिटी की जो गंगा जमुना तहजीब है हमारी उस तहजीब को ज़िंदा रखते हुए सुल्तान बाजार के अंदर 20 फीट की रोड के अंदर मेट्रो ट्रेन चल सकती है तो 70 फीट की रोड के अंदर क्या मेट्रो ट्रेन नहीं चल सकती है? और मैं मेट्रो के हमारे नरसिम्हा साहब भी जब मेट्रो के डायरेक्टर से उनसे मिले उन्होंने फ़ायदा बताए कि मेट्रो को नुकसान नहीं है ओल्ड सिटी में आने के लिए, ज़्यादा फायदा होगा। जो आप उपल से लेकर जो चल रही है आप कहीं पर भी जाइए उससे ज़्यादा फायदा पुराने शहर को होगा। तंग गलियाँ हैं, लोग टूरिस्ट के लिए मक्का मस्जिद देखने के लिए, अटन्ना मादन्ना के लिए, टेम्पल के टाइम के लिए, गणेश देखने के लिए, मुहर्रम देखने के लिए, रमजान फेस्टिवल देखने के लिए, हैदराबाद की जो तहजीब है देखने के लिए दूर दूर से आएंगे लोग। मतलब बना भाई फ़ायदा होगा, बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा तमाम। तो इसके लिए हम ये एहतजाज जब तक अभी चार महीने इंतज़ार करने के बाद फिर कर रहे हैं, मगर इसकी आवाम को पहले रिक्वेस्ट ये है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस तारीख में 18 तारीख के दिन 1 बजे के टाइम के ऊपर। उसके बाद दूसरी अगर ये नहीं करते हैं तो इंशाल्लाह हम हमारे बड़ों से उस्मान भाई से उनसे लेकर कि किस तरीके से जगाना है। एक उस्मान भाई की विजिट मक्का मस्जिद के अंदर सारे IAS IPS सारे अमला ये होती है आवाज़, जो मजलूमों की आवाज़ जहाँ काम नहीं हो रहा जब आवाज़ उठती है तो दो दो IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा था एक साल से मकान का काम करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज काम चल रहा है। जब तक हमको और एक बार हर बार लड़ना पड़ेगा हर चीज़ हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़्यादा लोग से उम्मीद है कि हम अल्लाह चाहे तो हमारा टारगेट है 1000-2000 आदमी से ज़्यादा ये एहतजाज में शामिल होंगे। हमारी अपील है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे NGOs तमाम मतलब कॉलेज के बच्चियाँ लड़कियाँ बहुत सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए है। इंशाल्लाह हम इसको हुकूमत को जब तक है ना भाई यहाँ पर मेट्रो का काम नहीं चालू होगा जब तक खामोश नहीं बैठेंगे, ये मेरा आज़म है। और इंशाल्लाह हमारा सब कांग्रेस पार्टी की जानिब से ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पुराने शहर की तरक्की के लिए गुज़िश्ता साल मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई थी जैक, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में इस जैक के रुकन बने और एक साल से मुसलसिल हमारी ये जद्दोजहद हुकूमत, कई मरतबा हम लोग इस सिलसिले में एहतजाज किए और हुकूमत गुज़िश्ता 4 महीने पहले ये ऐलान भी कर दी कि हम ओल्ड सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। मैं चूँकि आज सहाफती बरादरी का ये यहाँ पर हमारे साथ जो बैठे हुए हैं हमारे साथ जो साथी है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये आपकी भी तरक्की है चूँकि आप लोग यहीं से ताल्लुक़ है आपका भी। हमारी तरक्की हमारी कनेक्टिविटी जब तक न्यू सिटी से हाईटेक सिटी से नहीं होंगी यहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा होना बहुत मुश्किल है और ये चाहते हैं यहाँ के जो अपने आप को ठेकेदार समझे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि हम हमेशा उनके वोट बैंक बन के रहें। अल्लाह के फजल से यहाँ पर तमाम बहुत से जमातों के लोग हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हैं लेकिन हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं हम सबका मसला है ओल्ड सिटी की तरक्की।
तमाम जमातें मिली हुई हैं यहाँ पर चाहते हैं कि ओल्ड सिटी की तरक्की हो, यहाँ फिरका परस्ती का खात्मा हो, यहाँ बेरोजगारी का खात्मा हो। इसके लिए यहाँ पर हम लोग जमा हुए सदके दिल से, लेकिन एक जमात ऐसी है जो अपने आप को हमारे इस ओल्ड सिटी को पिछड़ा हुआ एक ऐसा इलाका बना के रखना चाहते हैं कि यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहे और सिर्फ उनकी ही यहाँ पर इजारेदारी रहे, यहाँ एजुकेशन ना आए, यहाँ तरक्की ना आए। इसी मकसद के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से इसकी मुखालिफत करती आई है। अगर वो वाकई इस ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए कुछ करते तो जाके KCR से अपने अपने कॉलेजेस फलाने फलाने जो जाकर नुमाइंदगियाँ कर रहे हैं ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करते। इससे पहले भी YSR के दौर में 2000 करोड़ का ये डेवलपमेंट का वादा किए थे, कहाँ चले गए वो 2000 करोड़? ये सारे सारे जी हाँ वाटर एंड सीवरेज लेन के लिए ये 2000 करोड़ का कहाँ गया? आज भी वही ओल्ड सिटी की हालत है, आज वही ओल्ड सिटी में रोडिज्म है और सूदखोरी है और सट्टेबाजी है। आज जगह जगह देखिए अवाम परेशान है इन लोगों से। आज ज़रूरत है कि इनके इजारादारी के खिलाफ हम सब जमा हों और ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए हम अपने तमाम बाहमी इख्तलाफात को दूर रखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ हमारा नारा हमारा मकसद ये कि हम ओल्ड सिटी में मेट्रो को लाना चाहिए और इसके लिए हम तमाम मिलकर अल्लाह के फजल से इतना अच्छा देखिए हम जब भी मुत्तहद हुए और जब भी हम आगे बढ़े तो हुकूमत कोई ना कोई बयान दे दी हम ये शुरू करें। लेकिन अब मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अवाम से, ओल्ड सिटी की अवाम से गुजारिश है, ये आपकी तरक्की के लिए बैठे हैं हम लोग, आपकी तरक्की के लिए अरेस्टिंग दे रहे हैं, आपकी तरक्की के लिए हम मसायब में गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन हमको कोई इसकी परवाह नहीं। हमारी जान भी गई ओल्ड सिटी की तरक्की के लिए, फिरका परस्ती के खिलाफ और रोडिज्म और ये ठेकेदारों के खिलाफ हम खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे। हमारी ओल्ड सिटी की तरक्की हम सबसे मजबूत है, हमारे नौजवान आने वाली नस्ल से ये मुस्तकबिल है ओल्ड सिटी का, मेट्रो से जोड़ना, मेट्रो से इंशाल्लाह मेट्रो से हम जुड़ जाएंगे। काफ़ी मसाइल हमारे नौजवानों के बेरोजगारी के जो मसाइल है, एजुकेशन के जो मसाइल है, सब लोग जानते हैं। अब ओल्ड सिटी से अगर कोई चार मीनार से हाईटेक सिटी जाना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन वही अगर मेट्रो आ गई तो 17-18 मिनट में हम लोग वहाँ चले जा सकते हैं। हमारे पैसे भी बचते, हमारा वक्त भी बचता, हमारी तकालीफ भी बचती। इसीलिए मैं जनाब ईटी नरसिम्हा साहब से, हमारे गौस साहब से, हमारे वेंकटेश साहब से, रूपराज साहब, सलीम भाई, हमारे तमाम हाफिज अब्दुल सत्तार साहब, शमसुद्दीन साहब और जो जो साथी हमारे हैं उन सब के साथ मिलके मैं गुजारिश कर रहा हूँ अवाम को, आप आए बाहर, आपकी तरक्की से जुड़ा हुआ मसला है ये, आप उठे और इस अंधेरों को मिटाने के लिए हमारा साथ दें और हफ्ते को जो होने वाली रैली को कामयाब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 बजे चार मीनार के पास जमा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तकरीबन 40 साल से जो मजहब के नाम से वोट लेने वालों को मैं सीधी सीधी जवाब पूछना चाह रहा हूँ हमारा JSC मेट्रो लाइन की जानिब से। ये असल शहर में पुराने शहर बोलते हैं, पुराने शहर सबसे पहले डेवलप होना चाहिए, मगर आज शहर में पूरा 30,000 करोड़ के जो मेट्रो लाइन की प्रोजेक्ट है वो मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट हैदराबाद में हटके भी मेडचल में रंगारेड्डी जिला में आज स्टार्ट हुआ मेट्रो लाइन। मगर जो शहर में 30% असल शहर बोलते असल टूरिस्ट प्लेसा पूरे फलकनामा पैलेस हो, चौमला पैलेस, नहीं तो चारमीनार, गोलकोंडा किला, ये पूरे पुराने शहर में है। ज़्यादा हिंदुस्तान से नहीं पूरे वर्ल्ड से कितने भी लोग आते, जो परसों याना ट्रंप आए किधर आए? फलकनामा पैलेस को है, देखने वाला चीजेस पूरे यहाँ है। मगर शहर से नहीं पूरे तेलंगाना से अगर कैलकुलेशन करें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सा एरिया कौन सा है बोले तो पुराने शहर है। यहाँ हम टैक्स नहीं बन रहे, यहाँ हम पेट्रोल खरीदे तो पेट्रोल का रेट सेम है, गैस का रेट सेम है, चावल का रेट सेम है। जहाँ गवर्नमेंट के तरफ से पैसे आने का है वो आज पुराने शहर में रुका हुआ जा रहा है। खाली इसका मतलब ये कि हम मजहब के नाम से वोटा ले सकते हैं, मगर आज पुराने शहर के नौजवान
पुराने शहर के पब्लिक ये समझ रहे पूरे हैदराबाद डेवलप हो रहा, हमारे पुराने शहर डेवलप नहीं कहीं को नहीं हो रहा बोल के आज सोच रहे। आज हम एक ही बात बोलना चाह रहे केसीआर साहब, आप तेलंगाना आने के बाद में पुराने शहर को इस्तांबुल बनाते बोले। अरे कहाँ इस्तांबुल, हमको कोई ज़रूरत नहीं है इस्तांबुल, तो 100 साल तक आप नहीं बना सकते। या जो हुकूमत में ऐसो MLA MP से इस वक्त हमारे तरक्की होना बोले तो मेट्रो लाइन आना चाहिए। बगैर मेट्रो पुराने शहर तरक्की नहीं होता। हम इसीलिए पूरे हमारे अलग अलग आइडियोलॉजी रहने के बाद में भी आज पुराने शहर के जो जितने पॉलिटिकल पार्टी से पूरे पॉलिटिकल पार्टियां एक जगह पर एक इकट्ठा होके आज पुराने शहर तरक्की होना बोले तो मेट्रो लाइन आना बोल के हम लड़ाई स्टार्ट करें। आप 4 महीने पहले असेंबली में अनाउंस करने के बाद आजकल फिजिकल सर्वे नहीं है, कोई पैसे ने अनाउंसमेंट नहीं करे, वही दूसरा एरिया में आप तो 1600 करोड़ तो दे दिए। हम इसीलिए बात बोलना चाह रहे पुराने शहर के जितने भी लोग आए, नौजवानों, स्टूडेंट्स हो, जितने भी सेकुलर माइंड के लोग हो, जितने भी पुराने शहर तरक्की चाहने वालों को ये पूरे में हम अपील करना चाह रहे। सैटरडे के दिन 1 बजे चामनार से प्रोटेस्ट रैली काला झंडे लेके फलकनामा तक निकालेंगे। आप लोग पूरे शामिल होना बोल के हम JSC के तरफ से अपील कर रहे। और एक बात, यहाँ से 40 साल से MLA कारपोरेटर इतने आदमी भी जीते, उन लोगों की काम नहीं है क्या बोल के हम पूछना चाह रहे। हम फ्यूचर में इलेक्शन में नहीं डरते हमारा CPI पार्टी के जान से, मगर पुराने शहर में जितने माइनॉरिटीज है, जितने हिंदू है, जितने मुसलमान है, दूसरे कम्युनिटी वाला है, पूरा जीना बोले तो ये मेट्रो लाइन की जरूरत है बोल के हम आगे बढ़ रहे, हम लड़ रहे। मगर जो इलेक्शन में 40 साल से जो लोग आपको वोट डाले, आपकी काम नहीं है क्या ये पूरा शहर में मेट्रो लाइन आ रहे या कहीं को नहीं आ रहे बोल के लड़ना आपका काम है। हम हमेशा यही बात बोल रहे, खाली फिरका परस्ती के बात बंद करो। इलेक्शन में भी आने वाले इलेक्शन में हम एक बात बोलना चाह रहे, इलेक्शन से पहले अगर पुराने शहर में मेट्रो लाइन स्टार्ट नहीं होगा, हजारों नहीं लाखों आदमी को रोड में लाके जो आदमी इलेक्शन में जो MLA MP से वो पूछने वालों को चप्पल से मारना बोल के मैं पब्लिक को अपील कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में भी यही चाहूंगा, पूरे शहर में आ रहा हमारा तरक्की कहीं को नहीं हुआ बोल के पब्लिक पूछेंगे। आज मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जब पुराने शहर के नौजवान पूरा जो 20 साल होने के बाद क्या मोस का बंडी नहीं तो सेब का बंडी बैठता वहां बैठता क्या? हमारे लेडीज भी कुछ काम करना बोले तो वही काम करना क्या पुराने शहर के लोग? आज उधर पूरा हाईटेक सिटी में मिनिमम 10 लाख जॉब्स है, वो 10 लाख जॉब्स में से पुराने शहर से कितने लोग जा रहे? अगर जॉब मिले तो भी नहीं जा सकते, यहाँ से जाने को 2 घंटे आने को 2 घंटे 4 घंटे चले जाता। अगर मेट्रो लाइन है तो 30 मिनट में जाता, 30 मिनट में आ सकता, उसमें मिनिमम 2 लाख आदमी को जॉब मिलने की चांसेस है। मेट्रो लाइन आए तो 1 लाख के ऊपर जॉब्स मिलता, मेट्रो लाइन है तो फिरका परस्ती का पूरा चला जाता, मेट्रो लाइन आए तो पूरा डेवलपमेंट होता, ये पुराने शहर पूरा चेंजेस होने के चांसेस है। डेवलपमेंट है तो हमारे बात नहीं सुनता बोल के आज MIM पार्टी डर रहा। मगर आप अगर मेट्रो लाइन अगर नहीं लाएगा, फ्यूचर आने वाले दिनों में आप MLA कारपोरेटर बंद करिए, जो सेकुलर ताकत जो यहाँ के लोग पूरे सोच रहे ये पूरे डेवलपमेंट के लिए आज नौजवान भी आगे आ रहे। हम इससे पहले मेरे जहाँ तक आइडिया है ये तेलंगाना का एजिटेशन करे सो बद भी 500 आदमी अरेस्ट नहीं हुए, मेट्रो के ऊपर हम रैली निकाले तो मिनिमम 500 आदमी पुराने शहर में अरेस्ट हुए। इसकी मतलब हर आदमी हर डेवलपमेंट सोचने वाला पुराने शहर में मेट्रो लाने आना बोल के सोच रहे। इसीलिए हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे, KCR को हमारे इस्तांबुल तो आप कर सकते इच नहीं, मगर जो पुराने शहर में आ रहा वो मेट्रो लाइन जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। अगर आप नहीं करें पूरा तेलंगाना में फिर के हम बताएंगे इन्हों पुराने शहर को डेवलपमेंट नहीं करा, कहीं भी नहीं करा, झूठे वायदा करा बोल के हम फिरने को भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए हम हुकूमत के डिमांड करना चाह रहे, अब आने वाले दिनों में या 15 दिन में 1 महीने के अंदर जो मेट्रो का ऑफिसर है उसको सर्वे करो बोल के ऑर्डर दीजिए, काम स्टार्ट करिए। काम स्टार्ट हुए तक JSC के नाम से हम एजिटेशन कंटिन्यू करेंगे बोल के हम हुकूमत को डिमांड करना चाह रहे हैं। इसमें कोई सी भी मेट्रो लाने के लिए इस पर अमल और यानी भरोसे करता 18 तारीख को
जाएगी इंशाल्लाह। और इसमें पुराने शहर के तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों से, नौजवानों से गुजारिश की जाती है कि इस प्रोटेस्ट रैली में आप लोग शरीक हों, क्योंकि ये तरक्की से मरबूत है। ओल्ड सिटी असल शहर है, ये शहर तरक्की के बजाय माधापुर का भी गांव था, ऐसे हाईटेक सिटी वगैरह जो इलाके थे पूरे गांव के शक्ल में थे, ये शहर में था असल शहर ये, और रेवेन्यू पूरा यहाँ से गवर्नमेंट को मिलता है, और गवर्नमेंट ये इलाके को पिछड़ा हुआ रखे, एकदम ये अंधेरा रखे इस इलाके को, ये पॉलिटिकल पार्टी के जेर असर उनके दबाव में यहाँ तरक्की नहीं चाहते हैं वो लोग। लिहाजा हम अवाम ओल्ड सिटी के पुराने शहर के असल आवाम, असल शहर के आवाम ये अज़्म लेकर उठे हैं कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन लाने के लिए कामयाब जद्दोजहद करेंगे। इसके लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए हम लोग सब लोग